गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आस्था इंस्टीट्यूट में। जैसा कि मैं अब एग्रीकल्चर के नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ, एग्रीकल्चर जेई के लिए। अभी हम आईसी इंजन कर रहे हैं, जिसमें आप ट्रैक्टर के क्वेश्चंस लेकर के इसके साथ में आप करेंगे। बाकी की जो जो आपका होता जा रहा है, मैं उसको आपको वन लाइन में अब समझाता जा रहा हूँ। बाकी जो मुझे लगेगा कि हाँ आपको वो चीज़ दिखा करके समझानी चाहिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं क्वेश्चन, आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि आप हिंदी में बोला करें या फिर हिंदी में वीडियो बनाएं या फिर लिख करके। तो देखिए, मैं आपको हिंदी में डिक्टेट करता रहूँगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मिक्सचर, क्योंकि स्टूडेंट इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं। तो ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में लिखा है, तो मैं आपको आसान भाषा में बिल्कुल समझाता हुआ भी चलूँगा कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, परेशान ना होइएगा इसलिए कि वीडियो में लिख ये वीडियो में आप इंग्लिश में लिखवा देख पा रहे होंगे, ये जो भी मैंने कॉपी में लिखा है। मैं इंग्लिश में डिक्टेट, इंग्लिश में हिंदी दोनों में डिक्टेट करता रहूँगा, मतलब समझाता रहूँगा हिंदी में, परेशान ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जैसा कि प्रीवियस जेई के क्वेश्चनों को लेकर के मैंने ये क्या है, तो देखिए, ठीक है, शुरू करते हैं कि ऑन द एवरेज अ मैन कैन डेवलप, मतलब जो पावर होती है कि कितने हॉर्स पावर एक आदमी मतलब कि डेवलप कर सकता है। मतलब जैसे कोई खेती किसानी का काम करता है, तो उसके अंदर मतलब कितनी पावर होती है एक इंसान के अंदर खेती का काम करने के लिए, तो वो होती है हमारी 0.1 HP। और यहाँ मैंने ऊपर लिख रखा है ना 10 man = 1 HP, कहने का मतलब है 10 आदमी मिलकर के 1 horse power एनर्जी, जो पावर है, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक आदमी की बात करेंगे तो 0.1 HP, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए आगे कि मीडियम साइज बुलॉक कैन डेवलप, बुलॉक मतलब जो होता है बैल, बैल जो होते हैं बैल, उनके लिए यहाँ बुलॉक यूज़ किया गया है। तो देखिए, एक जो बैल है, एक बैल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे खेत में हम जैसे उसमें हल बांधें या फिर पटला बांध करके जो चलाते हैं खेत के अंदर, तो वो एक दिन के अंदर हमारा कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो कर सकता है हमारा 0.5 HP to 0.75 HP। तो देखिए ऑप्शन ये यहाँ से इसके बीच में जनरेट कर सकता है, कहने का मतलब ये नहीं कि आपको, देखिए ऑप्शन मिलेगा 0.5 HP, 1 HP, 2 HP, 4 HP ऐसे करके, तो आपको ऑप्शन 0.5 मिलेगा या 0.75 मिलेगा। अगर 0.5 और 0.75 मिले, तो इसमें से आप एक के लिए 0.5 ही लगाएंगे हमेशा। ठीक है, एक बैल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 0.5 HP, अगर उसका जोड़ा पूछ ले तो 1 HP पावर। ठीक है, बैलों का जोड़ा, सही है। अब फोर्स, अगर पूछ ले कि फोर्स कितनी डेवलप करता है एक बैल, तो अपनी बॉडी, अपनी जो उसका वजन है, उसका 1/10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन मैंने बताया था डीजल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होती है, तो उसकी होती है 32 से 38% के बीच में एफिशिएंसी रहती है। ठीक है, पेट्रोल की रहती है 25 से 32% के बीच में एफिशिएंसी। फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, उसकी टोटल बताया कि कैसे यूज़ करते हैं उसको, अगर बाय चांस आपको कोई न्यूमेरिकल मिल जाए तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट विंडमिल जो होती है, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसको चलाने के लिए, हवा से उस विंडमिल को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, तो हवा की स्पीड कम से कम 5 km/h से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो उसकी विंडमिल की कैपेसिटी होती है 0.5 HP होती है। ठीक है, ये एक दिन के लिए इस सेंस में बताई गई है, एक दिन में। डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्ट का जो प्रेशर होता है, जो डीजल इंजन में जो हमारा फ्यूल इंजेक्ट करते हैं उसका प्रेशर कितना होता है, 105 kg/cm². ठीक है, ट्रैक्टर इक्विप्ड विथ स्पीड इंजन रनिंग, देखिए जो ट्रैक्टर में स्पीड होती है उसकी, जो कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम स्पीड होती है जो इंजन को RPM मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से जो चलाते हैं, तो वो आपकी होती है रनिंग स्पीड ट्रैक्टर की मैक्सिमम 1500 RPM। ठीक है, अब देखिए स्ट्रोक बोर रेशियो इन ट्रैक्टर, जो स्टोर, अब देखिए इसका टर्म का, अब स्ट्रोक बोर बोर ये आपका इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, मतलब कि आप हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, ये इसी में लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैं आपको वो टर्म ही बताते हुए चल रहा हूँ, जो कि आपको हिंदी इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि आप वही पढ़ेंगे, हिंदी में वही पढ़ेंगे, इंग्लिश में वही पढ़ेंगे। तो ट्रैक्टर, देखिए मैंने ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा था, ट्रैक्टर इक्विप्ड, जो ट्रैक्टर में लगा रहता है, कहने का मतलब जुड़ा रहता है, जो उसका RPM मान, कहने का मतलब है कि जो उसका रोटेशन है, उसके पहिए का रोटेशन जो होता है एक तरीके से, उसको मान के समझ के चलिए कि इसका जो मैक्सिमम रोटेशन होता है वो 1500 RPM होता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा स्ट्रोक बोर रेशियो इन ट्रैक्टर, तो वो हमारा 1.00 to 1.45 के बीच में होता है हमेशा। कंप्रेशन रेशियो इन पेट्रोल, देखिए कंप्रेशन रेशियो मैंने पहले ही बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आता है तो देखिए ये आपका 4:1 to 8:1 के बीच में आ सकता है, कहने का मतलब है 4:1 है एंड 8:1 है, तो कहने का मतलब है कि आपका 4:8 तक हो सकता है।
ये आगे तक पढ़ सकता है, पर ये है तुम्हारा कि ये हमेशा 14 से कम रहेगा। कहने का मतलब है 14 से कम रहेगा आपको जो, मतलब कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड देखिए आपको ये मिलेगा 4:1 एंड 8:1, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा डीजल इंजन के लिए 14:1 एंड 20:1, ठीक है। ऐसे अगला पिस्टन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। पिस्टन डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए पहला क्वेश्चन, एयर फ्यूल रेशियो कार्बोरेटर इंजन में, जो स्टैंडर्ड जो एयर और फ्यूल का रेशियो जो कार्बोरेटर के अंदर देता है कार्बोरेटर, वो 15:1। कहने का मतलब है 15 जो आपका पार्ट होगा वो एयर का होगा, फ्यूल का रेशियो 1 होगा, उसके रेशियो में आप ये कार्बोरेटर मिक्स करता है, ठीक है। कार्बोरेटर आपका कहाँ होता है, पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल आईसी इंजन, कूलिंग टेम्परेचर कितना होता है, देखिए पेट्रोल का जो आईसी इंजन के अंदर, मतलब इंटरनल कम्बशन इंजन जो पेट्रोल के अंदर हम देख रहे हैं, तो कूलिंग टेम्परेचर कितना होता है उसका, 71 to 82 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हैवियर फ्यूल्स के लिए 88 to 90 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब उसके चैम्बर के अंदर, ठीक है। अब देखिए थर्मोस्टेट बॉल्व ओपन, कहने का मतलब थर्मोस्टेट ये तुम्हारा क्या करता है, कूलिंग करने के काम आता है। अब थर्मोस्टेट तुम्हारा कहाँ लगा होता है, लुब्रिकेशन से इसका अटैच होता है। कहने का मतलब है थर्मोस्टेट जब ओपन होती है, कहने का मतलब टेम्परेचर अगर 74 डिग्री आपका पहुँच जाएगा उससे ऊपर होगा तुरंत ये खुल जाएगा, और क्या कहते हैं आपका लुब्रिकेशन आपका पूरे इंजन में फैल जाएगा और ठंडा करेगा जल्दी से जल्दी उसको, तो उसका ठंडा मतलब ठंडा कूलिंग से इसका मतलब होता है, ठीक है। और जी मैक्सिमम वाइडली जो ओपन हो सकता है वो 80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ट्रैक्टर बैटरी कंटेन, उसमें 6 सेल लगे होते हैं जो ट्रैक्टर की बैटरी होती है, और जो मैक्सिमम एनर्जी देता है वो 2.2 वोल्ट की देता है, ठीक है। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर जो इंजन है, इंजन के साथ मान ले जैसे कि हम कई बार देखा होगा आपने कि ट्रैक्टरों में या फिर कहीं पानी भरते हैं, तो उसका जो मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर पहुँचता है पानी का वो 110 डिग्री तक होता है। ऑयल पंप कनेक्ट कहाँ से होता है, कैम शाफ्ट से कनेक्ट होता है ऑयल पंप आपका, ठीक है। ऑयल फिल्टर चेंज आफ्टर, देखिए ऑयल फिल्टर कब चेंज करते हैं, 120 घंटे के बाद, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल फॉर गियर बॉक्स, अब देखिए जो गियर आपका गियर बॉक्स होता है जहाँ से आपके गियर शिफ्टिंग वगैरह होती है उसी के नीचे अटैच होता है इंजन से, तो आपका ये गियर बॉक्स जो है आपका उसमें जो ऑयल पड़ता है वो ऐसे ही 90, टेम्परेचर उसका 2 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए स्पीड ऑफ ट्रैक्टर, टॉप गियर वेरीज, देखिए जो ट्रैक्टर की जो टॉप गियर में स्किड हो सकती है, मान लिया कि जो नॉर्मल से नॉर्मल तो वो 18 to 25 होती है। आप कहेंगे कि भी ट्रैक्टर को तो 50 की स्पीड से भगा सकते हैं, बिल्कुल भगा सकते हैं, पर कहने का मतलब यह है कि जो एक गियर की होती है एक रेटेड जो मिनिमम होती है, ये कहने का मतलब यह है कि आपकी गाड़ियों में जो लिखा रहता है कि भाई 180 तक की स्पीड से भाग सकता है, 5वें गियर में चलाएंगे तो वो उसकी हाईएस्ट टॉप स्पीड होती है। टॉप स्पीड का यहाँ मतलब है कि टॉप गियर का, कि नॉर्मली जो चलेगा वो टॉप गियर में 18 to 24 के बीच में चलेगा, बाकी तुम उससे ज़्यादा एक्सेलेरेट करके उसे चला सकते हो। पीटीओ स्पीड ऑपरेटिंग अंडर लोड, अगर पीटीओ शाफ्ट जो पीछे लगी रहती है ट्रैक्टर के वो उसका जो आरपीएम है वो कितना हो सकता है, देखिए 540 प्लस माइनस 10 याद कर लीजिए। ट्रैक्टर का जो टायर होता है उसका रियर साइज और फ्रंट साइज देख लीजिए, रियर का 38 इंच और जो फ्रंट होता है वो 16 इंच का होता है लगा हुआ, और प्रेशर जो रियर में होता है 0.8 to 1.2 kgf/cm², और फ्रंट में 2 to 2.5, ठीक है। इन वैल्यूज़ को याद कर लीजिएगा, डिट्टो ऐसे ही ये स्टैंडर्ड बुक से आपके साथ शेयर की जा रही हैं। देखिए देखिए हाइड्रोलिक सिस्टम, जो फ्लूड हाइड्रोलिक सिस्टम, सिस्टम कहने का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा जो डंपर हुआ या फिर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम जिसमें नाले की जो सफाई वफाइयाँ करती रहती हैं, मशीनें रहती हैं काफ़ी सारी जिनमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा रहता है, एक बड़े बड़े पाइप कनेक्ट होते हैं और उसके अंदर फ्लूड भरा होता है, वो फ्लूड कौन सा होता है, वो एल्कोहल और ग्रीसरीन से भरा हुआ होता है, ठीक है। और जो उसका डेवलप प्रेशर होता है मैक्सिमम होता है वो 150 kgf/cm². ऑटो साइकिल आपकी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के साथ वर्क करती है और डीजल साइकिल आपकी कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ, एक लाइन में याद कर लीजिए। सिलेंडर आपका हाई ग्रेड कास्ट आयरन से बना होता है, कनेक्टिंग रोड आपकी फोर्ज स्टील से बनी होती है, फ्लाई व्हील आपका कास्ट आयरन से बना होता है। फायरिंग ऑर्डर 4 सिलेंडर और 6 सिलेंडर के लिए आप याद करिए, कन्फ्यूज ना हो, 4 सिलेंडर के लिए 1342 और 6 सिलेंडर के लिए इन दोनों में से स्टैंडर्ड हैं जो मैंने लिखा है, 14 26 35 15 36 24, याद कर लें इसको। 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होती है 75 kgm/s, और इसको इक्वल 746 वाट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही मैं आपके साथ ही शेयर करता जा रहा हूँ नोट्स बना करके,
तो ये मत सोचिएगा कि ये आपके काम नहीं आएंगे। इसमें से मैंने कहा है ना आपको 80-90% आपको मिल ही जाएगा, बाकी का आप प्रॉपर करते रहें, ये सफिशेंट है। बाकी का जितना हो पाएगा मैं आपके साथ जनवरी तक कंप्लीट करा दूंगा। बस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो दोस्त हैं एग्री वाले उनको ये फॉरवर्ड कर दें। बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।